सिंथेसिस रिपर्टरी, रिपर्टोरियम होम्योपैथिकम सिंथेटिकम डॉक्टर फ्रेडरिक स्क्रेंस ने दी थी। तो सिंथेसिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस टीमवर्क विथ सुपर्ब टेक्नोलॉजी, इट इज़ प्रिंटेड वर्जन ऑफ रडार। तो ये रडार क्या है? रैपिड एड टू ड्रग एम रिसर्च, रैपिड एड टू ड्रग एम रिसर्च का प्रिंटेड वर्जन ही क्या है? सिंथेसिस। ये कंटिन्यूस टीमवर्क का प्रोडक्ट है सिंथेसिस। दिस रिपर्टरी हैज सेट अ न्यू स्टैंडर्ड by adding a lot of information and by continuous verification by its user. It is latest among all repertory it authored by Dr. Frederick Scrans, who was born on January 12, 1953 in Mechelen, Belgium. It is an enlarged version of 6th American edition of Kent repertory. Kent की जो 6th American edition है उसी का enlarged version है। It contain all its rubric and remedies. These repertories has been improved qualitatively in structure and language to make it more comprehensible and facilitate easy reference at the time of need. The need of continuous developing repertories was felt by many academician and clinician. Consequently, from time to time several repertories were compiled. In early 80s of 19th century, a teamwork started toward achieving a total information. It was Frederick Scrans and his team who could collect a lot of information through the cooperation of practicing homeopath throughout the world. The information was used making of radar computer program. On the request of many homeopaths, synthesis was made available in the print. मतलब बहुत सारे लोगों ने request करी कि print version में चाहिए, तो वो print भी हुआ available. अब इसके editions की बात करते हैं. तो इसमें देखो, सबसे पहले फुल नेम क्या है? रेपर्टोरियम होम्योपैथिकम सिंथेटिकम। ऑथर है डॉक्टर फ्रेडरिक स्क्रेंस, बेस्ड ऑन 6th अमेरिकन एडिशन ऑफ कैंट रेपर्टरी। फर्स्ट एडिशन 1987 में आया था, मतलब फर्स्ट वर्जन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो 1987 में आया था, सेकेंड वर्जन 1988 में आया था, थर्ड वर्जन 1990 में आया था, फोर्थ वर्जन जो है 1992 में, 1993 में आया फिफ्थ वर्जन, सिक्स वाला 1995, 1997 में 7.1 वर्जन, 8 आया था 2001 में, वर्जन 9.1 2004 में, और वर्जन 9.0 2003 में आया था। तो फिर से एक बार बोलता हूँ, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1997, 2001, 2004 और 2003, जो फिफ्थ से लगा के 2003 तक के हैं, ये बुक फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर इस रिपर्टरी के ग्रेडेशन की बात करें तो बोल्ड कैपिटल, बोल्ड रोमन, इटैलिक्स और रोमन। तो बोल्ड कैपिटल को 4 मार्क्स, बोल्ड रोमन को 3 मार्क्स, इटैलिक्स को 2 मार्क्स और रोमन को 1 मार्क्स। सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें रेड बोल्ड कैपिटल अंडरलाइन, रेड बोल्ड कैपिटल, ब्लू इटैलिक्स और रोमन, ये चार ग्रेडेशन है सॉफ्टवेयर में। रेड बोल्ड कैपिटल अंडरलाइन, रेड बोल्ड कैपिटल, ब्लू इटैलिक्स और रोमन। बाकी जो बुक फॉर्म में है उसमें क्या है? बोल्ड कैपिटल, बोल्ड रोमन, इटैलिक्स और रोमन। स्पेशल फीचर की बात करते हैं सिंथेसिस 7। तो सिंथेसिस 7 जो है ना, इसमें क्या है? इट कंटेन रिपीटेडली चेक्ड एडिशन फ्रॉम ऑल स्टैंडर्ड होम्योपैथिक लिटरेचर, द सोर्सेज आर इंडिकेटेड इन एन एब्रीवेटेड फ्रॉम टूवर्ड्स द एंड ऑफ ईच मेडिसिन। मतलब इसमें रिपीटेडली चेक्ड एडिशन फ्रॉम ऑल स्टैंडर्ड होम्योपैथिक लिटरेचर, रिपीटेडली चेक्ड एडिशन इसमें है। और दूसरा जो पॉइंट है ये क्या है कि इसमें क्लियरली रीडेबल सिम्टम फॉर्मेट दिया हुआ है। रूब्रिक जो है ना उसमें क्लियरली रीडेबल फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें करेक्ट सेंटेंसेस हैं, कंबाइंड मोडालिटीज़ हैं, मर्ज सिमिलर रूब्रिक और नए रूब्रिक्स भी दिए हैं, और रिवाइज किया गया है लैंग्वेज और रिपर्टरी को। तो यहाँ पे जो रूब्रिक्स हैं ना उनको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, सेंटेंस को करेक्ट किया गया है, मोडालिटीज़ को कम्बाइन किया है, मर्ज सिमिलर रूब्रिक्स। फिर इसके बाद तीसरा क्या है इसका सिंथेसिस 7 का? टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव कैंट अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक साइट टाइम मोडालिटी एक्सटेंशन, STME साइट टाइम मोडालिटी एक्सटेंशन, ये कैंट में था। इसमें क्या ऐड कर दिया इन्हें? लोकलाइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो लोकलाइजेशन डिस्क्रिप्शन भी इसमें है। फिर इसका फोर्थ पॉइंट क्या है कि क्लिनिकल रूब्रिक्स वर रीनेम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न नॉमन, क्लिनिकल रूब्रिक्स में को मॉडर्न नॉमन क्लेचर के अकॉर्डिंग रीनेम कर दिया है। फिर नए क्लिनिकल रूब्रिक्स भी ऐड किए गए। पांचवा पॉइंट क्या है? और न्यू स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ रेमेडी एब्रीवेशन एंड न्यू लिस्ट ऑफ ऑथर एब्रीवेशन आर प्रेजेंटेड, इंडेक्स ऑफ इंपॉर्टेंट चेंजेस एंड करेक्शन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन जो है और करेक्शन भी किए गए हैं इसमें, ठीक है। तो न्यू स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ रेमेडी एब्रीवेशन, रेमेडी एब्रीवेशन भी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लिस्ट बनाई गई है, नई लिस्ट बनाई गई है। फिर छठवां पॉइंट ये कहता है कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्रॉस रेफरेंसेस है सिनोनिम में, स्पेशली माउंट सेक्शन में थाउजेंड्स ऑफ क्रॉस रेफरेंसेस सिनोनिम्स है।
सिंथेसिस सेवन जो है फर्स्ट रिपर्टरी टू कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट मोर देन 2000 रेमेडीज़, पहली रिपर्टरी है जिसमें 2000 से ज़्यादा रेमेडीज़ की इन्फॉर्मेशन है। फिर इसमें कैटलॉग जो है उसमें 3712 रेमेडीज़ हैं, ठीक है, कैटलॉग में 3712 रेमेडीज़ है कैटलॉग में, ठीक है, एक्सक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड अ न्यू ऑथर कैटलॉग जिसमें कि 1821 रेफरेंस हैं, ठीक है। और नाइन पॉइंट क्या है कि इट कंटेन अबाउट 235,000 एडिशन, ठीक है, 235,000 मोर देन द ओरिजिनल रेपर्ट्री ऑफ केंट। और सिंथेसिस रेपर्ट्री फॉलो द प्लान एंड कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक अस केंट रेपर्ट्री, इट इज़ बेस्ड ऑन द केंट फिलोसफी ऑफ जनरल्स टू पर्टिकुलर, द मेथड्स ऑफ रेपर्टाइजेशन फॉलो द केंट मेथड ऑफ रेपर्टाइजेशन, एनी केस रीच इन जनरल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स बी रेपर्टाइज बाय द सिंथेसिस। मतलब जहाँ पे जनरल्स मिल जाए वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपन सिंथेसिस को, केंट का मेथड को फॉलो करती है ये। फिर इसके बाद में सिंथेसिस का जो वर्जन है, अगला वर्जन है सिंथेसिस एट, तो सिंथेसिस एट को देखते हैं हम। सिंथेसिस एट जो है इस एडिशन को पब्लिश हुआ था 2001 में, और एंड इट इज़ एन अटेम्प्ट टू रिजोल्व क्वालिटी क्वांटिटी कंट्रोवर्सी बाय प्रोवाइडिंग हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सिंथेसिस एट में हाईएस्ट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, क्वालिटी क्वांटिटी कंट्रोवर्सी को दूर किया गया है, और 2001 में पब्लिश हुई थी। इसमें 655 सोर्स इंटीग्रेट है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें, और वास्ट अमाउंट ऑफ क्लिनिकल कन्फर्म इन्फॉर्मेशन, क्लिनिकली कन्फर्म इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें। नई प्रूविंग जो है वो इसमें इंटीग्रेट की गई है, 7000 सिम्टम्स ऑफ 42 प्रूविंग्स ऑफ डेविड रिले की जो प्रूविंग है उसके 7000 सिम्टम्स भी इसमें ऐड किए गए। तो याद रखना सिंथेसिस एट में डेविड रिले की जो प्रूविंग के 7000 सिम्टम है जो कि 42 प्रूविंग में मिले, 42 प्रूविंग्स के 7000 सिम्टम्स को डेविड रिले की USA के रहने वाले उनको ऐड किया गया। इसमें नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी है, 2277 मेडिसिन है, जिसमें कि 209 रेमेडीज कम्पेयर टू वर्जन 7, ठीक है। तो इसमें 2277 नंबर ऑफ मेडिसिन फॉर विच इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इज़ 2277। कैटलॉग ऑफ रेमेडीज में इसमें 4200 रेमेडी एब्रीवेशन है, और इसके अलावा 1723 सिनोनिम्स इन लैटिन, इसके साथ में इसमें अबाउट 3031 रेफरेंसेस है ना, और 133000 याद रख सकते हैं इसको, इसे रेमेडी एडिशन है। इसके अलावा 392000 एडिशन ऑथर एडिशन, तो इसमें 392000 ऑथर एडिशन है और 133000 रेमेडी एडिशन है, तो 133000 रेमेडी एडिशन है और 392000 ऑथर एडिशन है। द नंबर ऑफ एनोटेटेड करेक्शन मोस्ट ऑफन कंपेयर टू केंट हैज़ बीन इंक्रीज, मतलब 263 केंट में करेक्शन थे सिंथेसिस 7 में, उसको 620 सिंथेसिस 8 में 620 करेक्शन किए गए हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ सब रूब्रिक्स किया गया है, जैसे कि लाइक अल्टरनेटिंग सिम्टम्स, जैसे अल्टरनेटिंग विद पेन इन स्टोमक को कैसे कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, अल्टरनेटिंग विद स्टोमक पेन, ठीक है। इसमें टोटल कितने पेज है, 1912 पेजेस हैं, ठीक है, और वर्जन 7 में कितने पेज थे, 1717। और स्पेशल फीचर ऑफ सिंथेसिस 9.0 9.1, तो इसमें क्या किया गया है, रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ रूब्रिक्स हैव बीन डन एट मेनी प्लेसेस, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग की गई है, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ रूब्रिक्स, रीस्ट्रक्चर किया गया है रूब्रिक्स को, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ रूब्रिक्स मेनी प्लेसेस, जैसे कि अपन एग्जांपल समझ सकते हैं, हेड पेन कोल्ड एयर एग्रेवेशन कटिंग को कन्वर्ट कर दिया किसमें, हेड पेन कोल्ड एयर एग्रेवेशन टीयरिंग। ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोनिंगसन एंड बोगर एडिट, बोगर बोनिंगसन के इन्फॉर्मेशन को एड किया गया है। माइंड चैप्टर जो है नाउ स्टार्ट विद डिवीज़न ऑफ टाइम, डे टाइम मॉर्निंग एंड नाइट, माइंड चैप्टर में क्या है कि टाइम डिवीज़न से स्टार्ट होता है, जैसे कि डे टाइम मॉर्निंग और नाइट। थ्री न्यू चैप्टर एड किए गए हैं, नेक यूरिनरी ऑर्गन्स और मेल एंड फीमेल सेक्सुअल जेनिटेलिया, तो यूरिनरी ऑर्गन मेल फीमेल सेक्सुअल जेनिटेलिया और नेक ये एड किए गए हैं। एंड सिंथेसिस 9 कंटेन 42 चैप्टर बिकॉज ऑफ अनदर एडिशन चैप्टर, इसमें 42 चैप्टर है। फिर इसके अलावा रेपर्ट्री ऑफ बोरिक एंड फाटक जो है उसको भी इंटीग्रेट किया गया सिंथेसिस 9 में। न्यू क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एंड्रेसन है,
कनाडा के रहने वाले थे एंडरसन है, इनकी इन्फॉर्मेशन को भी ऐड किया गया है। द इन्फॉर्मेशन और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक की इन्फॉर्मेशन जो बॉनी गुसेन ने क्या कर दी थी, इंट्रोड्यूस की थी, बट जो TFLN एडिशन से हटा दिया था, केंट एडिशन में हटा दिया था, तो उनको फिर से इनने ऐड कर दिया। मैग्नेटिक पोलस आर्कटिकस, मैग्नेटिक पोलस ऑस्ट्रेलियस और मैग्नेटिक पोलस अम्बो, इनको भी ऐड कर दिया। फिर सिंथेसिस 9.1 में कितने पेजेस हैं, 2090 पेजेस हैं, और जो कि सिंथेसिस 8.1 में कितने थे, 1912, तो उसको कितने में कन्वर्ट कर दिया, 2090 पेज हो गए इसमें। और इसमें एक डाउन एरो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, रेमेडी इज कॉपीड फ्रॉम सिमिलर सब रूब्रिक, सिमिलर सब रूब्रिक से कॉपी किया गया है। फिर एक ब्लैक डॉट दिया है, इसका मतलब क्या होता है, इंडिकेटेड रेमेडी इज एडिट इधर बिकॉज ऑफ मोर रिसेंट और बिकॉज ऑफ लेजर नॉन ऑथर, मोर रिसेंट और बिकॉज ऑफ लेजर नॉन ऑथर, ठीक है, तो उसको किससे, ब्लैक डॉट से दिखाया। फिर इसमें एक्चुअल कैटलॉग जो है, इसमें कितनी रेमेडीज़ बताई गई है, 4497, और इसके अलावा इसमें एक्चुअल कैटलॉग ऑफ ऑथर डिस्क्राइब 3827 बिबलियोग्राफिस रेफरेंसेस, मतलब 3827 रेफरेंसेस यूज़ किए गए हैं, और नहीं इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ एनोटेटेड करेक्शंस भी किए गए हैं, 707 करेक्शन हो गए इसमें, और ठीक है, तो 707 इसमें करेक्शन किए गए हैं। और उधर कितने करेक्शन थे, पहले जो थे वो वहाँ पे अपन को 620 करेक्शन थे, ठीक है। सिंथेसिस 9.1 हैज़, इसमें बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, ठीक है। और इसके बाद में राडा 10 जो है ना, इसमें न्यू कंप्यूटर वर्जन ऑफ सिंथेसिस ट्रेजर एडिशन इज़ आल्सो अवेलेबल, राडा 10 में न्यू कंप्यूटर वर्जन है ऑफ सिंथेसिस ट्रेजर एडिशन, सिंथेसिस का जो ट्रेजर एडिशन है ना वो भी राडा 10 में अवेलेबल है। और दिस एडिशन एंड करेक्शन आर एब्रीवेटेड एज फॉलोज, K1B1, K2, K1B2, K1A1 और K9, इसको एब्रीवेशन कैसे दिया है, K1B1, K1B2, K1A1 और K9, इसमें 11398 यानी 11398 एडिशन से, ठीक है। और इसमें जो है ना हेडिंग गाइडिंग सिम्टम्स से भी 333 हैंड रिटन एडिशंस को इंक्लूड किया गया है, फ्रॉम हिज कॉपी ऑफ गाइडिंग सिम्टम ऑफ हेयरिंग, वहाँ से कॉपी किया गया है, ठीक है, कॉपी ऑफ गाइडिंग सिम्टम ऑफ हेयरिंग से 333 हैंड रिटन नोट्स भी लिए गए हैं, ठीक है। तो करेक्शन नोटेड बाय केंट इन हिज पर्सनल कॉपी, केंट की जो पर्सनल कॉपी है वहाँ से इसको वो भी इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। फिर एसेंशियल सिंथेसिस, ये कब आया था, 2007 में आया था, डॉक्टर फ्रेडरिक स्ट्रेंस ने दिया था ये भी। इनका स्लोगन क्या था, रिटर्निंग टू द हैनीमैन ऑफ लीगा कांग्रेस मेक्सिको, एक यहाँ पे स्लोगन था रिटर्निंग टू हैनीमैनियन, जो कि कहाँ पे दिया गया था, मेक्सिको में लीगा कांग्रेस का जो एक स्लोगन था वह उससे इंस्पायर होकर इनने एसेंशियल सिंथेसिस बनाया 2007 में। इसका इंडियन एडिशन बीजन पब्लिशर ने पब्लिश किया न्यू दिल्ली से, और इसमें क्या है, कंसाइंस है, रिलायबल है, असेसेबल रिपर्टरी बेस्ड ऑन द ओरिजिनल वर्क वर्जन ऑफ केंट रिपर्टरी। एसेंशियल सिंथेसिस में क्या है, सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको रिटेन किया गया है और कुछ इंफॉर्मेशन को रिमूव किया गया है। और इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि इसमें 905 इंफॉर्मेशन यूज़ की गई है, जैसे कि ऑथर रेफरेंस में, और इसमें द एसेंस, देखो जो पहले वाली सिंथेसिस थी उसमें 905 इंफॉर्मेशन यूज़ की गई थी ऑथर रेफरेंस में, और जो एसेंशियल सिंथेसिस इसमें 583 मोस्ट रिलायबल ऑथर रेफरेंस को यूज़ किया गया है, 583, तो 905 से कम हो गया ना 583, क्योंकि इसमें कम कर दिया गया है एसेंशियल सिंथेसिस में। फुल सिंथेसिस डिस्क्राइब 2375 रेमेडीज थी उसमें फुल सिंथेसिस में, और एसेंशियल सिंथेसिस में रेमेडी को कम कर दिया, कितनी कर दिया, 1990, ठीक है, 1990 रेमेडी कर दी। फिर इवन इफ देयर इज़ अ लेस इन्फॉर्मेशन, देयर इज़ अ सम वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कम्पेयर टू सिंथेसिस 9.1, एसेंशियल सिंथेसिस कंटेन केंट ट्रेजर एज इट इज़ रियली ट्रिम्ड डाउन वर्जन ऑफ सिंथेसिस ट्रेजर एडिशन, ठीक है। तो ये सब बोला है, इनका मोटो क्या था, लेस इज मोर मोटो,
है ना। एसेंशियल सिंथेसिस जो है उसका मोटो है लेस इज मोर मोटो, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस और केंट में डिफरेंस क्या है, तो केंट में एलिमेंट फ्रॉम इज गिवन एट मेनी प्लेसेस, थंडरस्टॉर्म इज गिवन ए सेपरेट रूब्रिक, जबकि सिंथेसिस जो है ना इसमें ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम हैव बीन ग्रुप अंडर द रूब्रिक माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम वेदर मोडालिटीज कंटेन रूब्रिक लाइक क्लाउडी, तो वेदर मोडालिटीज़ में क्लाउडी रेनी थंडरस्टॉर्म को इंक्लूड कर दिया और सारे एलिमेंट्स को रख दिया माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम में, और जो केंट में है सब अलग अलग जगह पे एलिमेंट्स फ्रॉम दिए हुए हैं। एनजाइटी सेडेंट्री एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम केंट में दिया है और सिंथेसिस में एनजाइटी सेडेंट्री लाइफ फ्रॉम दिया हुआ है। फिर ब्लैक एंड सोम्बर एवरीथिंग दैट इज़ अवर्जन टू, ये केंट में दिया है रूब्रिक, और इसको कलर ब्लैक अवर्जन टू सोम्बर एवरीथिंग दैट इज़ अवर्जन टू, तो इसको कन्वर्ट कर दिया। कोवाडा इसमें नेट्रम काब दिए केंट रिपर्टरी में, और सिंथेसिस में नेट्रम काब इज रिप्लेस बाय द नाइट्रिक एसिड। फिर इन मेन रूब्रिक कर्सिंग केंट हैज मेंशन, कर्सिंग में मेनली ओपियम को मेंशन किया केंट ने, जबकि कर्सिंग आफ्टरनून इवनिंग होम व्हेन द रेमेडी हैज ओपुंशिया स्पाइना अल्बा, ओपुंशिया रखा है इसमें। डांसिंग एग्रेवेशन में बोरेक्स स्पॉन्जिया मेंशन नहीं है केंट में, डांसिंग एग्रेवेशन में बोरेक्स स्पॉन्जिया जो है वो मेंशन की गई है। डिलीरियम अल्टरनेटिंग विद कन्वल्जेंस लाइंग ऑन द बैक नीज थाइस फिक्स हैंड जॉइंट, टिटेनिक स्ट्रामोनियम है इसमें, और इसमें क्या है माइंड डिलीरियम अल्टरनेटिंग विद कन्वल्जेंस टिटेनिक द रूब्रिक हैज़ बीन स्प्लिट माइंड गेस्चर जॉइनिंग द हैंड्स कन्वल्जेंस ड्यूरिंग एंड एक्सट्रीमिटीज ब्लैक, इसको अलग अलग भागों में तोड़ दिया। डिलीरियम एम्बेरस द स्टो दिया हुआ केंट में, और इसमें क्या दिया द रूब्रिक हैज़ बीन कंपाइल्ड विद विशेज टू क्लाइम अपॉन इट ऑन अ ट्री, है ना, टू इंडिकेट दैट द नेचर ऑफ सिम्टम इज नॉट सेक्सुअल। तो डिलीरियम गे अल्टरनेटिंग विद लाफिंग सिंगिंग विस्लिंग क्राइंग, ये केंट में दिया है, और इसको फिर से इसमें अरेंज कर दिया जैसे क्राइंग लाफिंग मेलेंकोली सैडनेस सिंगिंग विस्लिंग, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। डिल्यूजन बेट समवन डेराइव्ड हिम आउट मेरा स्टॉक से, और डिल्यूजन बेट फोर्स हिम आउट और बेट एज इफ समथिंग, इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से रूब्रिक्स को यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। जैसे सैडनेस चिल ड्यूरिंग को में यहाँ पे काली क्लोर है, ठीक है, एक सिंथेसिस में इधर नहीं थी। सुसाइडल पोजिशन, तो इसको सुसाइडल पोजिशन बाय में कन्वर्ट कर दिया। टॉक टॉकिंग टॉक्स टू हिमसेल्फ केंट में दिया है, और इधर क्या है टॉकिंग में कंबाइन कर दिया उसको, ठीक है। जो जनरलिटीज चैप्टर है उसको जनरल नाम दे दिया गया। फूड कंटेन मोडालिटीज ईच पर्टिकुलर फूड हैज फोर सब रूब्रिक, सेक्शन फूड जो है ना उसमें कंटेन मोडालिटीज ईच पर्टिकुलर फूड हैज फोर सब रूब्रिक, एग्रावेशन एमुलेशन अवर्जन एंड डिज़ायर। तो फूड वाले में चार सब रूब्रिक दिए हैं, एग्रावेशन एमुलेशन अवर्जन और डिज़ायर दिया हुआ है। द लेटर टू वर इंक्लूडेड इन केंट चैप्टर स्टोमक। तो सिंथेसिस रिपर्टरी रिपर्टोरियम होम्योपैथिकम सिंथेटिकम रेड कलर की आती है बुक, आप देख सकते हो ऑथर का फोटो डॉक्टर फ्रेडरिक स्क्रेंस, ठीक है। इसके बाद अपन ने एडिशन देख ही लिए थे 1987, 1988, 1990, फिर 1992, 1993, 1995, 1997, सिंथेसिस 8.1 आया था 2001 में, और 9.0, 9.1 आया था 2004 में, ठीक है। और इसके बाद में सिक्स अमेरिकन एडिशन पर बेस्ड है ना, BTPB बोगर रिपर्टरी बोरिक रिपर्टरी SR फाटक कंसेंस रिपर्टरी HA रॉबर्ट इन पर बेस्ड है, ठीक है। केन फिलोसफी पर बेस्ड है। ग्रेडेशन बोल्ड कैपिटल बोल्ड स्मॉल इटैलिक्स और रोमन स्मॉल ये बुक में दिए हुए हैं, जबकि जो आपका सॉफ्टवेयर में रेड अंडरलाइन रेड